और क्यों यूज करते हैं तो मैं आपको पहले बता चुका हूं। सेकंड Adobe Reader, इसका क्यों यूज करेंगे ये भी आपको पता लग जाएगा। थर्ड VLC, ठीक है। आपको पता है जब आप फोन यूज करते हो और अपने फोन में कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो तो आपको कहां जाना होता है? सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स या मैनेज करते हैं फोन को, वैसे ही कंप्यूटर्स के अंदर भी सेटिंग का एक टाइप का ऑप्शन होता है जिसे बोलते हैं कंट्रोल पैनल, ठीक है। अभी के लिए अब जैसे जैसे कंप्यूटर्स में जितना इंटरेस्ट ज्यादा रखेंगे वैसे वैसे आपको वो चीजें आती रहेंगी, ठीक है। तो कंट्रोल पैनल अभी तो यहाँ पे शॉर्टकट है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। बट ये भी है कि हर विंडो में ये ओपन करने का तरीका अलग हो जाता है, विंडो एक्सपी में शायद अलग हो जाता है, ठीक है, सेवन में अलग हो जाता है, एट में भी अलग हो जाता है, लेकिन उनके जो कंसेप्ट हैं वो सब में सेम है। मतलब कुछ फीचर्स एडवांस हैं कि जो विंडोज एडवांस है इसलिए, तो जैसे सेवन है और आपके पास में सिस्टम जो होंगे वो विंडो एक्सपी के भी होंगे और सेवन के भी होंगे, ठीक है। तो ये दोनों साथ में आपकी जो वीडियो होंगी वो भी दोनों की कॉम्बिनेशन पे होंगी, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आपके पास में जो सिस्टम है वो सेवन ही होंगे। ये भी हो सकता है आपके आपके पास जो सिस्टम है उनमें विंडोज 8 भी हो सकती है, सेवन भी हो सकता है और एक्सपी भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे विंडो पे ही करना चाहिए क्या सर? एक विंडो पे का सारा सिस्टम है नहीं, वो आपके लिए डिपेंड करता है ना। आपके मान लीजिए आपकी आपके एनजीओ या आपके स्कूल है, आप सेवन प्रीफर कर रहे हो, सेवन यूज कर लो, सेवन की वीडियो अलग से है। लेकिन लेकिन कोई एक ऐसा एनजीओ है जिनके पास में खुद का बजट नहीं है, वो सिस्टम डोनेट करके जा रहा है, तो आप वो तो डोनेट करके जा रहा है, आप उनसे ये तो नहीं बोल रहे विंडो सेवन डाल दो उसमें, ये इशू आता है ना। तो हो सकता है वो चीज आपको सामने आपके सामने आए, तो मैं यही कह रहा हूँ क्योंकि जो डोनेशन दे रहा है हम उससे अपनी जो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं रख सकते, सिस्टम दे दिया उसने वही काफी है, ठीक है। तो वहाँ पे आप बोलो कि वो आपके लिए अलग से विंडो ला के दे, इंस्टॉल करके दे। हाँ ये हो सकता है कि वो आपको विंडो इंस्टॉल करके दे देगा और आप उसे यूज भी कर सकते हो, बट एज ए स्मॉल लेवल पे आप उस चीज को यूज कर सकते हो। विंडो जब आप यूज करोगे, ठीक है, अभी आप एक छोटे लेवल पे काम कर रहे हो, जैसे जैसे बड़े होते जाओगे वैसे वैसे दूसरों की नजर में आओगे, ठीक है। अब विंडोज आप सिस्टम यूज कर रहे हो, आप उसके लिए कुछ आइडेंटिफाई जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, कभी भी आपसे कुछ पूछ सकता है और वो एक ही क्वेश्चन पूछता है अगर ऐसी कोई बात होती है तो लाइसेंस कहाँ से, वो सारी चीज़ें। हाँ तो वो चीज़ मैटर करती है, ठीक है। तो अभी मैं नॉर्मल इसको बता रहा हूँ यहाँ पे विंडोज सेवन के अकॉर्डिंग आप कई तरीके से ओपन कर सकते हो कंट्रोल पैनल को, और सिंपल सा तरीका है स्टार्ट भी लिख दिया, ठीक है। राइट साइड के पैनल को भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी कंट्रोल पैनल लिखा है, तो क्लिक करोगे तो कंट्रोल पैनल के ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड तरीका भी है, इसको क्या बोलते हैं, रन कमांड, ठीक है। इसका यूज कब करते हैं, जब आपको उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की शॉर्ट की पता हो, ठीक है, और आप कंट्रोल पैनल ओपन करना चाहते हो उसकी, अगर कंट्रोल पैनल की शॉर्ट की आपको पता नहीं है तो आप इसे ओपन नहीं कर सकते। किसी भी एप्लीकेशन को आप यूज कर रहे हो अगर आपको उसकी शॉर्ट की पता नहीं है तो आप रन कमांड से ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिनको पता रहता है